हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी टीचर रिक्रूटमेंट 2022, टोटल 205 परमानेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गई। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, अगर आपने देख लिया तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में लेटेस्ट वीडियोज में जाकर चेक कर सकते हैं, ऐसी थंबनेल आपको मिलेगी। अब ये वीडियो मैंने किस लिए बनाई है कि इसमें सैलरी डिटेल हम कवर करेंगे, क्योंकि जो मेन एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया वहां पर क्लियर मेंशन नहीं किया है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी है, तो फिर सैलरी कहां मेंशन किया गया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, वहां पर सैलरी डिस्कस की गई है शॉर्ट में, तो वो हम समझेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए, मीन्स टीजीटी पीजीटी पीआरटी एंड प्रेप लाइब्रेरी, इन सब के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए क्या अप्रॉक्स सैलरी मंथली बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा सैलरी के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि जॉब लोकेशन जो है, कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, तो जॉब लोकेशन पहले ही आपको बताया कि एक नहीं 15 अलग अलग जगह है, 15 अलग अलग सेंटर्स हैं, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट्स में 15 अलग अलग लोकेशन में, डिस्ट्रिक्ट में जॉब लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है। तो जहां जहां स्कूल है वो है 15 सेंटर्स में, इनके स्कूल्स हैं एटॉमिक एनर्जी के, और वहां पर ही कहीं पर आपकी प्लेसमेंट होगी, जिसकी लिस्ट यहां पर दे दी गई है। तो किसी एक जगह पे नहीं है, इतने सारे जगहों पर है जो लिस्ट आपको सामने नजर आ रही है। दूसरी चीज ये है कि पोस्ट कितने हैं, पीजीटी के लिए थोड़े कम है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, टीजीटी में इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी या संस्कृत, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल, आर्ट, मराठी, लाइब्रेरियन के लिए है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है पीआरटी के लिए, पीआरटी के लिए बीएड वाले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, और बाकी भी दिया हुआ यहाँ पर, वो मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर दिया। पीआरटी म्यूजिक है, प्रेप मतलब एनटीटी के लिए भी वैकेंसीज हैं, टोटल 205 वैकेंसीज हैं। जब आप इसको पूरी तरह से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पे स्केल के बारे में क्लियर नहीं लिखा गया है, तो आप पूरी एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से पढ़ते हैं पहले तो आपको दिखाई देगा कहीं पर लिखा हुआ एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स या इस तरीके से कुछ लिखा। हाँ, यहाँ पर द पे एंड अलाउंसेस आर एज पर पे मैट्रिक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, तो ये बस इतना ही लिखा है, बाकी इन्होंने डिटेल नहीं दी है। तो डिटेल फिर कहाँ पर मिलेगी आपको, डिटेल एक्चुअली जो इन्होंने शॉर्ट एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश की थी वहां पर दी हुई है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आई हुई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तो यहां पर कैसा इन्होंने बताया उसके हिसाब से। सबसे लास्ट कॉलम में देखें, पीजीटी के लिए सेल 1 ऑफ लेवल 8, टीजीटी के लिए सेल 1 ऑफ लेवल 7। अब इसमें क्या सैलरी बनने वाली है ये भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप देख लें कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में क्या लिखा था सैलरी के बारे में। लाइब्रेरियन एंड टीजीटी के लिए सेल 1 ऑफ लेवल 7 एंड पीआरटी पीआरटी म्यूजिक एंड प्रेप के लिए सेल 1 ऑफ लेवल 6, ये सैलरी ऑफर की जाएगी। तो अब इसमें क्या सैलरी बनती है चलिए आगे देखते हैं। मेरे ब्लॉग पर भी है, आप मेरे ब्लॉग को भी चेक कर सकते हैं, मैंने एक ब्लॉग भी अपनी बनाकर रखी हुई है, कुछ चीजों को मैं अपने ब्लॉग पर डाल देती हूँ, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर भी लिख दिया मैंने। तो AEES परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से रिक्रूटमेंट नंबर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 205, पीआरटी पीआरटी म्यूजिक एंड प्रेप को सेल 1 ऑफ लेवल 6। इसमें कैसा रहता, बेसिक पे 35,400 की बेसिक पे रहती है, जिसमें ग्रॉस सैलरी मीन्स टोटल सैलरी आपकी 50,000 के अराउंड बनेगी। अब अराउंड इसलिए लिखा है क्योंकि मेट्रो सिटीज में अगर पोस्टिंग होती है तो वहाँ थोड़ा सा एचआरए ज़्यादा होता है, और जो विलेजेस वगैरह में होता है तो वहाँ पे एचआरए हाउस रेंट कम होता है, तो 50,000 प्लस माइनस आप थोड़ा कर सकते हैं। तो पीआरटी पीआरटी म्यूजिक एंड प्रेप के लिए सेल 1 ऑफ लेवल 6 जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में बताया गया उसके हिसाब से बेसिक पे रहेगी, अलाउंसेस वगैरह मिला के 50,000 के अराउंड मंथली सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रॉस। अब इसमें डिडक्शन होती है जैसे कि पेंशन वगैरह के हिसाब से, न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से कुछ पीएफ वगैरह डिडक्ट होगी, वो अलग बात है। अब टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए लिखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में सेल 1 ऑफ लेवल 7, इसमें क्या होता है बेसिक पे रहता है आपका 44,900 रुपीज का बेसिक पे रहेगा, तो जिसमें 70,000 के अराउंड मंथली सैलरी बनेगी। ये सारी सैलरी आपके हाथ में नहीं आती, इसमें बहुत सारे डिडक्शन भी होते हैं, पीएफ होता है डिडक्शन या न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से कुछ डिडक्शन वगैरह अगर किए जाए तो लेकिन 70,000 के अराउंड सैलरी मंथली बनती है प्लस माइनस, क्योंकि फिर यहाँ पे भी वही है कि मेट्रो सिटीज में अगर रहेंगे तो एचआरए की वजह से सैलरी ज़्यादा होती है, और अगर आप विलेजेस वगैरह में पोस्टिंग है तो
एचआरए कम होती है विलेजेस वगैरह में, तो वहाँ पर थोड़ी कम, तो 70,000 के आसपास सैलरी मंथली बनेगी। पीजीटी के लिए सेल वन ऑफ लेवल एट जिसमें बेसिक पे है 47,600 की, ग्रॉस सैलरी 75,000 रुपीज अराउंड बनेगी, प्लस माइनस इसमें भी कर लें मंथली सैलरी अराउंड इसके बनने वाली, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसके बारे में और भी कोई डिटेल आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ब्लॉग पे भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आप सबको बेस्ट विशेस, होप ये आपको आपके डिटेल ये आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, आपको भी कुछ आइडिया है, आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।